हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सब की? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सबीराज वर्ल्ड एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है मेरी बर्थडे का और बर्थडे प्रिपरेशन का। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। और चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये किस चीज़ का पराठा है, तो ये है जी, मम्मा ने एक दिन पहले बनाई थी सब्ज़ी, आलू, फलियाँ। तो मैंने उनको अच्छे तरीके से कुटा है, कुट के मैंने फिर पराठा बनाया, क्योंकि मेरा आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मैंने किसी का ब्लॉग देख लिया था, तो पराठा और चाय के साथ नाश्ता हो रहा था, तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी खाऊं। मैंने यहाँ पे अपने लिए पराठा बना लिया था। और उसके बाद मैंने ज़रा पूरे घर का जायज़ा लिया और फिर सोचा कि नहीं, हाल में ही डेकोरेशन की जाए। तो बस फिर मैंने थोड़ा से वो जो प्लांट्स थे वो मंगवा लिया छत से। और ये हैप्पी बर्थडे पहले का ही लगा हुआ था, जो कि 11 अगस्त का था, आई थिंक सो। तो बस वो उतार दिया था। पूरे एक महीने के बाद में मेरी बर्थडे अब सेलिब्रेट की जा रही है। मेरी बर्थडे होती है 9th को बेसिकली, लेकिन बस कुछ रीज़न्स थे, सना के पेपर थे, पापा घर में नहीं थे, वकार नहीं था घर में। मैंने सोचा कि संडे वाले दिन सबको छुट्टी होगी, तो बस मैं बुला लूँगी, साथ में अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कर दूँगी। खैर, उसके बाद क्या हुआ, जितने भी मैंने आज बनाया ना खाना शाना, वो मैंने खुद अपने हाथों से ही मेहनत की है, क्योंकि बर्थडे तो थी मेरी, लेकिन कुकिंग का काम जो है ना वो मेरा ही है, मुझे ही तसल्ली होती है बनाने के बाद। तो मैंने बनाए समोसे, मेन्यू में समोसे थे, और उसके अलावा साथ में मैं बना रही थी मैक्रोनीज, और उसके अलावा ये पीसीस थे चिकन के, बड़े बड़े पीसीस। मैंने पापा को कहा था करवा के ले आइएगा, तो वो ले आए थे। तो मैंने फिर उनमें कट शर्ट लगा के तो मसाला वगैरह मैरिनेट करके रख दिया था, तो फिर मैं फ्राई कर रही हूँ उनको। साथ ही साथ आपको किचन मैंने दिखा दिया कितना ज़्यादा गंद डल चुका था, क्योंकि आपको पता है जब एक बंदा किचन में काम कर रहा हो ना, तो या तो कुकिंग होती है या बर्तन वगैरह धुलते हैं। मैंने मम्मा को बोल दिया था कि आप बस मुझे सब्ज़ी वगैरह काट के दो, बाकी काम मेरा है। यहाँ पे सना बैठ के ना प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि सुबह उठ के पहले सफाइयाँ वगैरह की सारे घर की, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी सेटिंग कर दी थी कि इस तरीके से ये सेटअप होना चाहिए, और फिर एक लाइट लगवा ली थी बड़ी वाली, वकार से रोड लगवा ले, ताकि थोड़ी सी ना एक वो रिंग लाइट का काम दे दे। साथ ही साथ मैं बाहर का भी चक्कर लगाती थी कभी अंदर का, और इतनी तेज़ बाहर बारिश होना शुरू हो गई थी, वीडियो मैंने शूट नहीं की, अचानक से इतने तेज़ बादल आए, लाइट भी चली गई थी। फिर मैं दुआ करूँ कि या अल्लाह लाइट आ जाए, बड़ी मुश्किल से बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, और ये लास्ट बर्थडे है मेरी शादी से पहले मेरे घर में। तो बहुत धूमधाम से सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। वकार और सना मस्तियाँ कर रहे थे, उन्होंने इतने बलून फाड़ दिए थे ना बाहर बैठे बैठे। खैर, डेकोरेशन भी इन दोनों ने करनी थी, तो मैंने उनके काम में फिर इंटरफेयर नहीं किया, तो मैं अपना काम कर रही थी जो कि मेरा अपना जाती था। तो मैक्रोनीज भी साथ साथ, बिरयानी भी साथ साथ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि ये मैंने यूज़ किया था कॉल्सन, इसको आई थिंक ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, बिल्कुल भी मज़े का इनका पास्ता नहीं था। मतलब आप लोग, पास्ते के अंदर एक उसका अपना टेस्ट होता है ना, वो इसका अपना टेस्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं था। आप लोग, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा रहा है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मैंने बिरयानी की लेयर लगा ली थी। यार, बिरयानी इतनी मज़े की बनी थी ना, मतलब कि कभी कभी ऐसा लक चल जाता है आपका, या शायद मुझे बनानी आ गई है, क्योंकि तीसरी से चौथी बार मैंने बनाई है तो परफेक्ट बनी है, जिस तरह की मुझे पसंद होती है। यहाँ पे इन्होंने बलून वगैरह काफ़ी फुला लिए थे, और किचन में मैं 3 से 4 दफ़ा डरी हूँ कि पता नहीं बाहर क्या हो गया, तो बाहर बलून फट रहे थे खुद ब खुद ही। इनको मैंने बोला थोड़े थोड़े से फुलाओ, इनके पेट के अंदर ज़्यादा ही लगता गैस थी, बड़े बड़े गुब्बारे फुला दिए इन्होंने। खैर, उसके साथ साथ मेरे मैक्रोनीज भी रेडी हो गए थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ जो है ना वो कहीं ना कहीं से जल जाएगा, लेकिन इस दफ़ा जलने से बच गया है हाथ, शुक्र है अल्लाह का। और बिरयानी मेरी जो थी वो मैंने दम पे रख दी थी, और ये भी मेरी रेडी हो गई है। और अच्छा, उसके बाद भी मैंने सोचा कि फटाफट से, पहले मैंने 4 बजे का टाइम दिया हुआ था सबको, फिर मैंने सोचा यार 4 बजे का टाइम दिया, 5-6 बज ही जाते हैं सबको आते आते। तो पापा को मैंने केक लेने के लिए भेजा, लेकिन यहाँ पे बैड लक ये हुई कि जो केक हम लोगों ने बनने के लिए दिया हुआ था ना, जिसने वो बनाना था वो छुट्टी पर था और उसने बनाया ही नहीं, ठीक है। लेकिन खैर, जो भी हम लोगों को मिला, मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो बस फिर ये एक जुगाड़ लगाया था कि उन्होंने साथ में कैन दे दिया था कि इसको आप डबल करके रख लें। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कहा चले करके देख लेते हैं, 2 डिफरेंट फ्लेवर के मंगवा लिए, क्योंकि हर बंदे को डिफरेंट फ्लेवर, किसी को चॉकलेट पसंद होता है, किसी को पाइनएप्पल होता है, तो मैंने दोनों मंगवा लिए थे। ये जो ड्रेस आपको मैं दिखा रही हूँ ना, ये मैं फ्रेश होने से पहले मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ ड्रेस की, आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मुझे सना ने गिफ्ट किया था, बहुत ही मज़े का बनारसी ड्रेस है ये, और बिल्कुल सिंपल सा मैंने स्टिच किया, मैंने खुद ही स्टिच किया था। जिस दिन इसने मुझे दिया था उसी दिन मैंने इसको स्टिच कर लिया था। साथ में ये वाले सैंडल्स इसके, जो बिल्कुल परफेक्टली मैच हैं, साथ में इसके बैंगल्स, ये भी
भी बहुत मज़े के हैं यार। इतनी मज़े की लुक आ रही थी ना इनको पहनकर, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। हालांकि गर्मी थी लेकिन इसमें मुझे गर्मी नहीं लग रही थी। और उसके अलावा ये चोकर सेट जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखाया हुआ अपने ज्वेलरी कलेक्शन की, और अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कलेक्शन वाले प्लेलिस्ट के अंदर। और बस रिंग्स मैंने साथ में दो ली थी लेकिन कैरी मैंने एक ही की थी। तो ये जी मेरी ड्रेस की ओवरऑल लुक बहुत ही प्यारा लग रहा था। सारी जो इसकी शो थी ना वो इसके दुपट्टे के साथ ही थी, और जिस ड्रेस का दुपट्टा खूबसूरत हो वो कैसे हो सकता है कि प्यारा ना लगे पहना हुआ। तो बस बहुत अच्छा था। छत पर चली गई थी, काफ़ी ज़्यादा सेल्फीज़ वीडियोज़ पिक्चर्स बहुत सारी बनवाई। और ये जी आगे हैं हमारे भाई जो हैं, वो प्यारे भाई जो हैं हमारे, जो नए नए भाई हैं मतलब सना के जो फ्यांसी हैं, उन्होंने गजरे भेजे थे सना के लिए, मम्मा के लिए, मेरे लिए, अपनी सिस्टर जो उनकी सिस्टर भी आई हुई थी, उनके भाई भी आए हुए थे मेरी बर्थडे पे, उनको भी मैंने इनवाइट किया था। तो ये सना मुझे गजरे पहना रही है, इससे पहले कि वो खुद पहने पहले मुझे पहना रही, क्योंकि भाई मेरा स्पेशल डे है, मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है आई थिंक सो इसलिए। और फिर जी उसने उल्टा पहना दिया था, तो फिर ये सीधा करके मैंने खुद ही पहनवा लिया। दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे गजरे, और ये इनकी खुशबू अमेजिंग थी और इतने प्यारे फ्रेश थे। बट जब ये ज़मीन पर गिर रहे थे ना, मेरे दिल को पता नहीं कुछ हो रहा था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे दिल को घबराहट से होने लग जाती है जब ये पाँव के नीचे आती हैं इनकी पंखुड़ियाँ। और साथ में बहुत ही प्यारा बुके भाई ने भेजा था, बहुत ही खूबसूरत यार, इतने फ्रेश फ्लावर्स थे ना उसके। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स भी आ गई हुई थी और हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है भाई जब इनके साथ पंजाबी में गपशप होती है और पंजाबी में जुगते मारी जाती है ना, बहुत ही मज़ा आता है। सही वाला एंजॉय हो गया, और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतना मज़ा आया मुझे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने का। पहले इतना मज़ा नहीं आता था बिकॉज फ्रेंड्स नहीं होती थी। फैमिली के साथ बंदा एंजॉय करता है लेकिन फ्रेंड्स का एक अलग ही स्वैग है, एक अलग ही लेवल है। और यहाँ पे मैंने आपको अपना केक दिखा दिया जुगाड़, जो वो कामयाब हो गया था। ओवरऑल लुक आपको नहीं दिखाई थी कि डेकोरेशन कैसी की थी, सना और वकार ने डेकोरेशन की थी, उनका प्यार और उनकी मोहब्बत है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आई लव यू सो मच। और बस यहाँ पे हम लोगों ने छोटी सी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन कर ली थी। उसके बाद केक खिलाना खुलाना चलता है और उसके बाद गिफ्ट्स मिलते हैं ढेर सारे आप लोगों को। और बस बहुत मज़ा आया था मुझे तो सेलिब्रेट करने का अपनी बर्थडे। और बस पापा भी बार बार यही कह रहे थे कि बस अब तुम्हारी ये लास्ट बर्थडे होगी इस घर में, मतलब अनमैरिड होते हुए तुम्हारी लास्ट बर्थडे, इसके बाद तुम्हारी हमने शादी कर देनी है, बस जितनी मौज मस्तियाँ करनी है ना कुंवारे होते हुए, जो जो उनसे काम पूरे करने ना वो कर लो अपने सारे। तो बस यहाँ पे जो है भाभी को मैंने कह दिया था आप केक जो है वो सर्व करें सबको। तो बड़ा मज़े का केक था, जो कि ये चॉकलेट फ्लेवर का केक था ना, बहुत ही मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का। और ये जो टीन के अंदर थी ना, सारे का सारा केक जो टीन के अंदर था यार, मुझे पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा चॉकलेट चिप होंगी इसके अंदर। और ये जी मेरे केक जो मेरे हिस्से में आया ना, वो ये वाला था, और मैंने तो खाया से इंजॉय किया, कितना मज़े का है ना यार। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा भाई, बर्थडे गर्ल का इतना तो हक बनता ही है कि डबल लेयरिंग वाला और चॉकलेट चिप्स वाला केक जो है वो उसके हिस्से में आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद खाना जो था वो रेडी हो गया था। ये है जी मेरे समोसे जो मैंने बनाए थे, साथ में मम्मा ने खाना चिकन बनाया था, कोरमा बनाया था, और साथ में ये बर्थडे वाले बर्थडे पे मेरे ख्याल से बिरयानी और ये जिस तरह दही भले हो गए, मैक्रोनीज हो गए, चाइनीज़ फूड हो गया, इस तरह ये पीस हो गए चिकन के, समोसे हो गए, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, चना चाट वगैरह। मतलब कि मुझे रोटी और ये सालन वगैरह, मुझे मेरा नहीं दिल करता कि बर्थडे इस पे ना इस तरह का मेन्यू हो, लेकिन फिर भी मम्मा ने बना लिया था। लेकिन खाया किसी ने भी नहीं, क्योंकि मैंने उनको पहले बोला था कि मम्मा कोई भी नहीं खाएगा, सब बिरयानी शौक से खाते हैं, दही भले हो गए, मैक्रोनीज़ हो गए, तो वही खाए थे। यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने गपशप की, मैंने बस थोड़ा सा ही खाया था, क्योंकि बनाकर एक तो दिल जो है वो भर जाता, दूसरा ये कि मैंने केक खा लिया था, इस वजह से ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था खाने को। तो मैंने सोचा जब काम शाम करके फ्री हो जाएंगे ना फिर खा लूँगी। अच्छा जी, ये जो पिज़्ज़ा आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो मेरी सिस्टर है ना उनके फ्यांसी ने उनको भेजा था कि आपने पूरा खाना है, लेकिन पता नहीं हम लोग खा नहीं पाते हैं, थोड़ा सा ही खाया जाता है, हम सब इसी तरह के हैं कि इसीलिए हम लोग फास्ट फूड, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी कि हम लोग बहुत
कम रेयर केसेस में मंगवा के खाते हैं। ज़्यादातर मैं प्रेफर यही करती हूँ कि घर में बनाकर खाऊं, लेकिन फिर यहाँ पे हम लोगों ने शेयरिंग करके एक दूसरे से खा लिया। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा, जब सारे गेस्ट वगैरह चले गए थे ना, तकरीबन 9:30 बजे तक सब चले गए थे, क्योंकि मैंने सेलिब्रेशन का टाइम ही कुछ ऐसा रखा था कि बंदा टाइम से ना अपने घर भी चला जाए। तो बस यहाँ पे सना बिचारी जो थी, हालांकि इसके एग्ज़ाम्स हैं, इसका कल पेपर है। जिस टाइम आप वीडियो देख रहे होंगे तो दुआ कीजिएगा इसके अच्छे अच्छे से एग्ज़ाम्स हो जाएं, फिर मुझे ट्रीट मिलेगी। अच्छा खैर, उसके अलावा इसने सारे के सारे बर्तन धोए हैं, बहुत मेरे साथ हेल्प करवाई है सना ने। तो बस मैं फिर कमरे में आ गई थी, मैंने कहा चलो तुम किचन का काम कर लो, बाकी जो सफाई वगैरह वो मैं कर लेती हूँ। बुके इतना खूबसूरत, ऐसे लग रहा था जैसे आर्टिफिशियल है, इतना प्यारा था, इतने प्यारे फ्रेश फ्लावर्स थे। लेकिन देसी फूल तो देसी है ना, जो गजरे थे ना वो देसी फूलों के थे, और उनकी खुशबू इतनी मज़े की थी, वो अलग ही लेवल की थी। तो यहाँ पे गजरे भी मैंने उतार के रख दिए थे, इनको वेस्ट मैं नहीं करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा कि मैं इनका क्या करने वाली हूँ। सो जी, ये मेरा ड्रेस है और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की इसमें, और इंस्टाग्राम पर मैं अपलोड करूँगी। आप लोग अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पर मैं अपना ID मैंशन कर रही हूँ, ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं फिर उसके बाद अपने गिफ्ट्स वगैरह समेट रही थी, और अगर आप लोगों ने मेरे गिफ्ट्स देखने हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, तो मैं बनाऊंगी इसकी सेपरेट एक वीडियो। और उसके बाद ही पकड़ लिया मैंने झाड़ू। अपनी औकात पे वापस आते हैं, सारे काम शाम करते हैं, बर्थडे हो गई या ख़त्म, बस इतनी सी मौज मस्ती होती है। और अभी तो मैंने ये भी उतारना है, ये कल उतारेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग जो है ना वो सफाई वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि अचानक से गेस्ट आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता किस टाइम का। तो बस ये टेंशन मुझे थी, क्योंकि सना ने तो बस अब फ्री हो जाना था अपना काम करके। तो ये लें जी, बस थोड़ा बहुत मेरा काम था वो भी मैंने कर लिया, हालाँकि मैं थकी हुई थी बहुत ज़्यादा। सारा दिन किचन में खड़ी होकर कुकिंग वगैरह करना कोई आसान काम नहीं है, फिर रेडी होना, सारे गेस्ट के साथ गपशप लगाना, फिर भी एक्टिव रहना। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुजर गया, और बस सना ने किचन सारे का सारा साफ कर दिया था। मुझे थोड़ी सी ना भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था, सुबह के टाइम नाश्ता कर लिया था, वो पराठा खाया था मैंने फुल, और पानी भी कोई इतना खास नहीं पिया, लेकिन खैर। अच्छा, ये गजरों का मैं क्या करूँगी, ये जो इनके ऊपर फूल है ना, ये देसी फूल हैं और ये फेस पे ग्लो के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं इनका फेस पैक बनाने के लिए ना पाउडर बना के रख लूँगी, पहले मैं इनको ड्राई करूँगी। लेकिन फिलहाल इनसे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, जिस तरह दादा दरबार जाते हैं वहाँ से फूलों की खुशबू आती है ना, सेम उस तरह की अब मैं इसको अपने कमरे में रख लूँगी, ताकि काफ़ी देर के लिए हमारे कमरे में से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। बस यहाँ पे अपना प्लेटर बनाकर ले आई थी मैं, और सना यहाँ पे बैठ के खूब सारा इंजॉय करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, गपशप भी लगाएंगे, वीडियो एडिट करूंगी और फिर पोस्ट कर दूंगी। बस यहीं तक थी मेरी वीडियो, होप्सो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान।